हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर यूट्यूब। ये सारी स्क्रिप्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है एहतिशाम और आप देख रहे हैं दी एहतिशाम शो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। करते हैं आज का टॉपिक जो है वो तो आप लोगों ने नीचे पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। हाँ, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर यूट्यूब कर लेते हैं। यूट्यूब के लिए अपने आप को मोटिवेट किस तरह से करना है। सो मैंने काफ़ी लंबी स्पीच लिखी हुई है, इसके लिए काफ़ी पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम शुरू से पढ़ेंगे वो पॉइंट्स, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। मैं भी इन पे अमल कर रहा हूँ, आप लोग भी इन पे अमल करिए और आप में वो जुनून और वो कोशिश, एक लगन आप में आएगी। आप रोज़ इसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप रोज़ आपकी एक वीडियो अपलोड कर सकेंगे। रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के तो एक दिन लाजमी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर वन, सबसे पहले आप अपने जहन में एक चीज़ सोच लो, एक नहीं एक लिस्ट बनाओ अपने जहन में कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। आज से 2 साल बाद या आज से 3 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। आज से 2 साल बाद मैंने जी अपनी यह ख्वाहिश पूरी करनी है, आज से 2 साल बाद अपनी यह ख्वाहिश भी पूरी करनी है अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी तो। हाँ, तो एक लिस्ट बनाओ कि ठीक है, या 2 सालों का सोचो या 10 सालों का सोचो या 20 सालों का सोचो, जितना सोचना है आप सोचो। एक लिस्ट बनाओ कि यार मैं ये भी चीज़ पाना चाहता हूँ, मैं ये भी चीज़ पाना चाहता हूँ, मेरे पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए अच्छी, मैं ट्रैवलिंग कर सकूँ अच्छे अच्छे मुल्कों का और सारे एक्सपेंसिव मैं अपने उठा सकूँ। मतलब कि इस तरह की अपनी एक पूरी लिस्ट बनाओ, ठीक है। इससे होगा क्या, आप अपनी वो रोज़ वो लिस्ट निकालोगे और लिस्ट देखोगे और आपको फील होगा कि यार ये सब कुछ पाने के लिए ना मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सो फिर आप मेहनत करोगे, आप उठोगे और वीडियो वो लाजमी बनाओगे, ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। सबसे पहली ट्रिक यही है कि आप एक लिस्ट बनाओ, वहाँ पर अपनी सारी ख्वाहिशात लिखो, वो तभी पूरी होंगी जब आप मेहनत करोगे। और दो अगर आप मेहनत करोगे ना 2 साल, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मेरे साथ आप, बल्कि अभी शुरू करो मेरे साथ आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं तो इंशाल्लाह लगातार 2 साल वीडियो बनाऊंगा, 1-2 दिन छोड़ के चाहे बनाऊं लेकिन मैं रोज़ बनाऊंगा वीडियो, कोशिश करूंगा रोज़ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। अगर आप मेरा कंटेंट रोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। सो आगे चलते हैं। और सबसे आसान जो तरीका होता है ना कि आप रोज़ मेहनत करो, उसके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है कि आप एक दिन बैठो, आप लिखो कि आज अच्छा ठीक है आज मैं ये काम करूँगा। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो आप पहले से सोचो, हाँ आज मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा और मैं वीडियो बनाऊँगा। एक दिन पहले सोच के उसको अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में सेव कर लो कि ये मैंने काम करने हैं। उससे ये होगा कि आप एक दिन व्लॉग करोगे, अगर आप रेगुलर रूटीन में एक दिन व्लॉग कर लोगे, ठीक है, अगले दिन आप सोचोगे यार अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, तो ये फेल बंदा ऐसे करना छोड़ देता है। वो कहता है कि यार मैं क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, इसी सोच में पड़ा रहता है। तो इस चीज़ से निजात पाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने अगले दस दिनों का टारगेट पहले से सोच रखो कि आपने अगले 10 दिनों में क्या क्या करना है। इससे ये होगा कि आपको पता होगा आज मैंने ये चीज़ करनी है और लाजमी करनी है ये चीज़, और आपके पास पहले ही वो लिखी होगी और आपने सिर्फ वो करनी होगी। एक तो आसान होगा, दूसरी इसके ऊपर आपकी मेहनत थोड़ी होगी और अच्छे से आपने, हम अगर YouTube पे आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो ये चीज़ लाजमी है। अगले 10 दिनों का काम आप लोग लिख के रखो कि मैंने नेक्स्ट डे क्या करना है, उससे नेक्स्ट डे क्या करना है, उससे नेक्स्ट डे क्या करना है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल मत सोचो कि यार ठीक है आज मैंने ब्लॉगिंग कर लिया, आज तो मेरा इंटरेस्टिंग डे था और ठीक है मैंने कर लिया जो भी करना था। यार प्यास बहुत लग रही है, पानी पी के आते हैं, फिर आपको अगली स्टोरी बताते हैं। सांसों में पीते हैं और पानी बैठ के पीते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते हैं। हाँ, तो जनाब हम कहाँ पे थे, जहाँ पे भी थे वहाँ पर ही हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं यार कहाँ पे थे, चलो जो भी है छोड़ो इसको, मैं आपको बताता हूँ। आज बेशक आपका जितना मर्ज़ी बोरिंग डे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कितना मर्ज़ी बोरिंग डे हो, बस आपने
कैमरा ऑन करना है, मोबाइल उठाना है, अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो बस निकल जाना है, निकल जाना है। जैसा भी डे है, जो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड करो, स्टोरी बनाओ, जो भी करना है रोज़ बस करना है आपने, ठीक है। आप स्टोरी बस ये मत सोचो कि आज तो बहुत बोरिंग डे, आज मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा, लेकिन यार जो भी आपने करना है दिखाओ, आपका जो भी अपना काम है, पानी भरने गए हो या कुछ भी करने गए हो, आप व्लॉग बना लो। अच्छा तरीका है ना इस पे यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का, वो ये है कि आप कंटिन्यूसली वो अपलोड करते रहो वीडियो। अगर आप एक दिन के बाद एक दिन कर रहे हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन करते रहो, अगर आप रोज़ कर रहे हो तो रोज़ करते रहो। ये ना हो कि एक हफ्ते में एक वीडियो आपने अपलोड कर दी, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, फिर अगले हफ्ते अपलोड की, इस तरह बहुत रूटीन ख़राब होगी। अगर आप बहुत अच्छा कोई मटेरियल बना रहे हो, मतलब बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हो, आपको पता है कि यार ये तो लेवल किस्म के मैं बना रहा हूँ, फिर आप बेशक हफ्ते हफ्ते बाद भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर चैनल को जल्दी ग्रोथ करना है तो आपको रोज़ ब्लॉगिंग करनी चाहिए, या रोज़ आपको कोई ना कोई कंटेंट लेके आना होगा, फिर ही आप मतलब के सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को शर्म आती है ना कैमरे के सामने बोलते हुए, या ऐसे लोगों के साथ मतलब लोगों के सामने ऐसे वीडियो बनाते हुए, तो उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, वो भी आप देख लेना। उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और करना होगा, ताकि जब मेरी वो वाली वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। चीज़ काफ़ी लोगों को होती है कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, माइक नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो यार ये चीज़ें ऐसे मैटर नहीं करती। मैं भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, और ये पीछे बस थोड़ी सी लाइटिंग की है, सामने एक बल्ब लगाया और बस इतना सा काम है। और तो भाई ये थे कुछ टिप्स ट्रिक्स तो अभी बताई नहीं, ठीक है, ट्रिक्स मैं आपको आगे बताता हूँ यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए। या तो भाई आपने लगातार वीडियो बनानी है, और कोशिश करनी है हर अगली वीडियो आपकी पहली वाली वीडियो से ज़्यादा अच्छी हो, फिर ही लोग आपको देखेंगे, वरना आपको लोग नहीं देखेंगे। और 3 महीने तक अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करोगे, आपकी कोई ना कोई ऐसी वीडियो होगी जो ज़रूर वायरल जाएगी। सो आपने वीडियो रोज़ बनानी है, अच्छी वीडियो बनानी है, रोज़ अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा करना है। कोई भी अपना अच्छा व्लॉगर उठा लो, कोई भी अच्छा अपना यूट्यूबर उठा लो, वो ये ना देखो यार उसके तो बड़े सब्सक्राइबर हैं, उसने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल लगा दिए फिर जाके इधर तक पहुँचे, यार क्या पता आप उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आप आज से स्टार्ट करो, अभी से उठो, बनाना शुरू करो वीडियो, शायद आप 4 सालों में उससे ज़्यादा आगे पहुँचो, हो भी सकता है सब। इससे पैसे आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो पैसे आते हैं, लेकिन अगर आप पैसों के लिए शुरू करोगे ना, आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकोगे इसके ऊपर। इसमें ज़रूरी ये है कि आपको शौक़ भी होना चाहिए, आपको गेमिंग का शौक़ है, आपको कुकिंग का शौक़ है, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आपको फूड व्लॉगिंग का शौक़ है, कुछ भी आपको शौक़ है, आप वो रिकॉर्ड करो और उसके ऊपर अपलोड करो। एडिटिंग यूट्यूब से सीख लो, नहीं आती तो मैं किसी दिन सिखा दूँगा वो भी आपको, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो दोस्तों बस इतना ही था मेरे पास, जो भी था मैंने आपको बता दिया, मैं भी इन चीज़ों पर अमल कर रहा हूँ और लगातार वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग भी करोगे तो इंशाल्लाह आप भी लगातार वीडियोस बनाने के आदि बन जाओगे, मैं तो रोज़ बना रहा हूँ भाई। और अगर आप रेगुलर काम करोगे तो यूट्यूब आपको लाजमी प्रमोट करेगा, और अच्छा काम करोगे तो फिर जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।